एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज सुरुचि राय। आज की वीडियो के अंदर हमारे साथ गौरी हैं, जिन्होंने रिसेंटली अपना गोएथे A1 लेवल का एग्ज़ाम दिया है। तो अगर आप A1 लेवल के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं या देने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें और साथ में एक कॉपी पेन या फिर जहाँ भी आप नोट्स लिख सकें निकाल लें, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए ये एक्साइटिंग इंटरव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले वेलकम गौरी, हाउ आर यू? Hi Suruchi, I'm fine. Okay, great. How are you? I'm also fine. So, मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को दे दें, उनको भी, ताकि आपके बारे में अच्छे से पता चल जाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरी रुपलग है, मैं पुणे से हूँ एंड आई हैव रिसेंटली डन माय A1 गोएथे एग्जाम एंड आई गॉट अ गुड स्कोर इन दिस एग्जाम एंड मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन और मैं जर्मन कॉलेज के डेज से सीखना चाहती थी लेकिन वो टाइम ज़्यादा मतलब स्टडीज एंड ऑल थिंग्स हो नहीं पाया। तो अभी मैंने जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड एज वेल एज माय हॉबी दोनों मिला के मैंने जर्मन सीखा। ओके, दैट्स ग्रेट। सो गोएथे इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने सुना है कि एग्ज़ाम दो टाइप के होते हैं, एक तो एक्सटर्नल स्टूडेंट की तरह हम दे सकते हैं, एक इंटरनल। सो आपने कौन सा वाला किया था? मैंने एक्सटर्नल किया क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मैं जॉब करती हूँ तो वहाँ पे रेगुलरली जाना, क्लासेस अटेंड करना वो पॉसिबल नहीं हो पाया था मुझे। सो मैंने एक्सटर्नल ही दिया था और वहाँ पे कैटेगरीज होते हैं, स्टूडेंट के लिए अलग रहता है और जो अडल्ट रहते हैं उनके लिए अलग अलग पैटर्न रहता है, एग्जाम का भी पैटर्न अलग रहता है। ओके, एंड इसके अंदर आपने रजिस्ट्रेशन जब किया होगा तो देर आपने गोएथे इंस्टीट्यूट की साइट के अंदर पुणे अपना सेलेक्ट किया होगा वहाँ से, तो आप थोड़ा बहुत रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बता सकते हैं कैसे किया था, क्या क्या चीज़ें? जी जी, जैसे ही आप गोएथे के साइट पे जाते हो वेबसाइट पे तो वहाँ पे फर्स्टली आप किस सिटी से बिलोंग करते हो वो सिटी आपको पहले सेलेक्ट करनी रहती है और उसके हिसाब से आपका लेवल सिलेक्ट करना पड़ता है, A1, A2, B1, B2 जो कोई भी होगा वो सिटी के अंडर, जैसे पुणे, दिल्ली, जो कोई भी सिटी होगी, मुंबई जो भी होगी, जो यहाँ पे गोएथे इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे वो सिटी के अंडर आपको वो सिटी सिलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करना रहता है। वहाँ पे कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं रहता, मतलब कोई ऐसे हार्ड कुछ नहीं है, जैसे ही हम लोग साइन इन करते हैं वैसा वाला ही है, कोई अदर प्रोसेस नहीं है उसके। ओके ओके, आपके पास एडमिट कार्ड कब तक आया था फॉर्म फिल करने के बाद, एंड फीस वगैरह उसी वक्त फिल की थी या कुछ और था उसमें अलग? हाँ, उसी वक्त। वहाँ पे कैसे रहता है, जब भी मतलब एग्जाम डेट जब आती है तो एग्जाम डेट हमको देखने पड़ते हैं कि कौन कौन से शेड्यूल्ड एग्जाम है, तो उसमें से हमको आपके टाइम के अकॉर्डिंग जो एग्जाम डेट है वो सिलेक्ट करनी रहती है और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट रहता है उसके लिए बुक करने के लिए, नहीं तो वो टाइम के बीच में आपने एग्जाम बुक नहीं की तो वो बुक हो जाती है, बुक करके आ जाता है। आप नहीं, आप वेटिंग लिस्ट में चले जाते हो उस वक्त, तो बार बार वो रिफ्रेश करना पड़ता है या दूसरे डेट पे देखना पड़ता है। तो मेरा भी वैसे ही हुआ था, तो 19 फेब, अभी रिसेंटली मैंने एग्जाम दी है तो 19 फेब मैंने सिलेक्ट किया था, तो उसी के अंडर सारे डिटेल्स आ जाते हैं। तो जैसे ही हम लोग सिलेक्ट करते हैं वो हम लोग को रजिस्ट्रेशन मतलब हम लोग को लॉग इन करना पड़ता है, लॉग इन करने के बाद वो कौन से लेवल के लिए है वो सिलेक्ट करना पड़ता है और सारे अपने डिटेल्स भरने रहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग एक जस्ट कंफर्मेशन आ जाता है गोएथे की तरफ से कि आपका ऐसे ऐसे कंफर्मेशन आया और एक नंबर जनरेट हो जाता है, तो वो नंबर के अकॉर्डिंग सारी आगे की प्रोसेस होती है। ओके, एंड वो कंफर्मेशन कितने टाइम पीरियड तक आ जाता है, जैसे एक हफ्ते, दो हफ्ते या उसी वक्त? वो एक या दो दिन में हम लोग को पेमेंट उसी दिन नहीं करना रहता है, पेमेंट तो मतलब जैसे हमने रजिस्ट्रेशन किया और वो डेट सिलेक्ट की तब से लेके दो या तीन दिन में हम लोग को पेमेंट करना रहता है और पेमेंट करने के बाद वाले दिन के बाद हमारा एक्चुअल एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जब भी हम पेमेंट करते हैं
तो A1 के लिए 7600 है ग्योथे का। तो जब मैंने वो किया तो वो मेरा एक्चुअल डेट पकड़ा जाता है। तो ओके मेरी एग्जाम 19 फेब को थी, तो बिफोर 10 डेज उनका मेल आता है कि आपके ऐसा ऐसा एग्जाम है, एग्जाम के सारे डिटेल्स आ जाते हैं, कब है, टाइमिंग, और एज पुणे में है तो इंस्टीट्यूट का एड्रेस आ जाता है कंफर्मेशन करके। तो एग्जाम से पहले 10 दिन तक सारे डिटेल्स आ जाते हैं। ओके आपका एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा वहां पे जाके? एग्जाम का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। 10 बजे का टाइम था मेरा, तो 10 बजे तो 45 मिनट्स प्रायर हम लोग को वहाँ पे जाना रहता है, क्योंकि वो सब एक्चुअली अभी ये पैंडेमिक के वजह से वो लोग सब आरटीपीसीआर भी मांगते हैं। आरटीपीसीआर भी करनी पड़ी मुझे, तो आरटीपीसीआर उनको दिखाना पड़ता है, वो स्कैन करके वैलिडेट करते हैं, तो वो सारे प्रोसीजर रहते हैं। और पैंडेमिक के वजह से अराउंड 20 to 25 या 30 स्टूडेंट्स वो अलाउ करते हैं, 20 या 25, ज़्यादा स्टूडेंट्स वो लेते नहीं है अभी ये पैंडेमिक के वजह से। तो वहाँ पे जाने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, थोड़ी देर बाद हम लोग को एग्जामिनेशन हॉल में लेके गए थे। ओके ग्रेट। और जो आपने बताया एडमिट कार्ड आपके पास कंफर्मेशन का आ जाता है, तो उसके अंदर क्या-क्या डिटेल्स होती है? एडमिट कार्ड में मतलब मेरा नाम रहता है, एड्रेस रहता है, कब हमने वो एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है उसकी डेट रहती है। जैसे कि मेरा था 19 फेब, तो उसमें लिखा रहता है कि इंस्टीट्यूट में जाने के बाद दो सेक्शन होते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम के 4 सेक्शन होते हैं, लेसन, योरन, श्राइबन एंड स्पेशन होता है। तो कौन सा एग्ज़ाम किस हॉल में होगा उसके डिटेल्स उसमें लिखे रहते हैं, और टाइमिंग लिखी रहती है, और जो हमने पेमेंट लिया है, मोड और पेमेंट कितना किया है, वो सब डिटेल्स, जनरल जैसे एग्जाम के डिटेल्स होते हैं, और हमारा जो नंबर रहता है वो नंबर, कस्टमर नंबर रहता है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने सेल्फ स्टडी किया या इसके अंदर कोई ट्यूटर पकड़ा, या क्या था आपका लर्निंग प्रोसेस एग्जाम की तैयारी का? हाँ, जैसे मैंने बताया कि पहले मैंने ट्यूटर, जो मेरे फैमिली फ्रेंड है सचिन करके, तो उनसे सीखा मैंने पहले, और उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया। जैसे मैं सबको बताना चाहती हूँ कि डायरेक्टली कोई ऐसे मतलब एग्जाम के लिए, जैसे कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो डायरेक्टली कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि हाँ चलो सीख लिया हो गया। तो मैंने आ बे से स्टार्ट किया, जैसे कि ABCD अंग्रेजी में हम लोग करते हैं, इंग्लिश में वैसे ही, पहले ग्रामर ये सब, वोकैबलरी, वोकैबलरी बेस अच्छा होना बहुत ही जरूरी है, वो नहीं तो तो है। एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट जाता है। एक्चुअली योरन पार्ट में तो वोकैबलरी चाहिए ही चाहिए मुझे तो लगता है, क्योंकि लिसनिंग, अगर हमको वोकैबलरी मालूम होगी तो हम लोग को वो लिसनिंग में समझ में आता है कि यार ये वर्ड था ऐसे। इसके अंदर आपने बताया कि आपने थोड़ा बहुत ट्यूटर से पढ़ा, बाकी थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी से, तो आपका सेल्फ स्टडी का कितना इम्पोर्टेंस आपको लगता है इसके अंदर? सेल्फ स्टडी का तो बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सेल्फ स्टडी के मतलब ट्यूटर कैसे रहते हैं, टीचर्स हम लोग को पढ़ा सकते हैं, लेकिन बाकी का काम तो हमें ही करना पड़ता है सब। ये तो है। तो एज मेरा मेरे ट्यूटर बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे पढ़ा, मैंने आपके भी बहुत सारे वीडियोस देखे, वो भी मुझे बहुत मतलब इतना फायदा हुआ मुझे सारे। मैंने अरबाइट्स बुक सॉल्व करते टाइम जब भी कभी मुझे कोई प्रॉब्लम आता था तो मैं आपका ही वीडियो देखती थी, वो भी मैंने पर्सनल जब मैं स्टडी कर रही थी तब मैंने फॉलो किया। तो मैंने ऐसे पार्ट वाइज स्टडी स्टार्ट किया पहले, जैसे कि एग्जाम में पार्ट्स रहते हैं, 4 पार्ट्स रहते हैं, तो मैंने ऐसे पार्ट वाइज शुरुआत में सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया, फोकस करना, हियरिंग के लिए हेडफोन नहीं लगाना बिल्कुल भी, जैसे ही एग्जाम में रहता है कि हम लोग को एक स्पीकर पे अनाउंसमेंट सब स्पीकर पे रहता है, तो वैसे स्टार्ट किया मैंने। और श्राइबिन के लिए लेटर राइटिंग जो प्रैक्टिसेस रहते हैं उसके लिए ग्रामर पहले अच्छे करना,
और उसी के बाद हम लोग श्राइबर के लिए एक्चुअली प्रिपेयर हो सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने सेक्शन वाइज स्टडी स्टार्ट किया। तो काफी बढ़िया अप्रोच है कि डायरेक्ट, वरना हमें पता ही नहीं चलता शुरू कहाँ से करना है, इतना सब है तो सीधे सेक्शन वाइज उठाना चाहिए। पैरेलल मैंने अरबाइट्स बुक और कोर्स बुक दोनों पैरेलल मैंने 12 के 12 चैप्टर्स कंप्लीट किए। उसके बाद मैंने ऑनलाइन वीडियोस या फिर मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह रहते हैं यूट्यूब पे या ऑनलाइन मिल जाते हैं हम लोग को, तो वो मैंने सॉल्व किए और बहुत सारे ढेर सारे लेटर राइटिंग के प्रैक्टिस किया था मैंने। वो तो इम्पोर्टेंट है काफी, वरना ऑन द स्पॉट समझ नहीं आता क्या लिखे कैसे करे सब। यस यस एब्सोल्युटली। ओके, तो आप अपनी प्रिपरेशन में पर डे कितना टाइम देते थे? मैं सुबह ज्यादा करती थी क्योंकि मेरे किड्स हैं तो दिन भर नहीं हो पाता था, तो सुबह जल्दी उठ के मैं डेढ़ या दो घंटे मैं करती थी प्रिपरेशन सारे, और रात में अगर पॉसिबल होता तो फिर दो घंटे मैं करती थी, तो कुल मिला के तीन घंटे पकड़ लेना, एक आध घंटा कभी कभार हो जाता कभी नहीं हो जाता, तो तीन या चार घंटे मैं करती थी। लेकिन डेली मिनिमम 1 to 2 hours तो हम लोग को देने ही पड़ेंगे एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अगर आपको अच्छे स्कोर्स चाहिए तो। ये तो आपने काफी सही कहा। और आपके हिसाब से कितना टाइम लगेगा अगर किसी ने जस्ट स्टार्ट किया और उसको एग्जाम देना हो, तो उसको कितने वीक पहले से एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले? रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं तो बोलूँगी कि आपको पूरी की पूरी स्टडी या कंप्लीट, मतलब आप कॉन्फिडेंट होनी चाहिए कि हाँ मैं ये दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि जब मैंने 19 फेब मैंने डिसाइड किया डेट, तो उससे पहले मैं एक ही डेढ़ महीने से बहुत ही ज़्यादा मतलब आवर्स भी बढ़ाए थे मैंने स्टडी के, तो जैसे कि एक डेढ़ घंटा करती थी तो दो ढाई घंटे मैंने ऐसे ये किया था। और एक है जो मतलब फिल्म्स वगैरह रहता है जर्मन में, वो भी बहुत काम आते हैं, जैसे कि अभी कभी कभार स्टडी का यार नहीं आज नहीं हो पाएगा, ऐसे ऐसे कभी कभार होता है किसी किसी का, या फिर आज मूड नहीं है, सबका ही होता है तो उस टाइम, हाँ तो उस टाइम पे आप मूवीज गाने ऐसे कुछ जर्मन में कुछ भी देख सकते हो, तो वो भी एक्चुअली एक स्टडी का तरीका है मैं समझती हूँ। ये तो ऐसे मुझे लगता है एक्चुअली। तो आप कुछ मूवीज या जो भी आपने सॉन्ग देखे वो रिकमेंड कर सकते हो, कुछ याद हो आपको तो? Yeah, Nico's Wake, my most favorite. Mike as well. वो बहुत, yes, yes, वो बहुत ही अच्छी है। और दूसरे बाकी ऐसे कंप्लीट ज्यादा कुछ नहीं देखे, और कुछ गाने वगैरह मैंने सुने थे जर्मन में, मतलब स्टडी के रिलेटेड वगैरह ऐसे कुछ रहते हैं, तो वो गाने भी यूट्यूब पे मिल जाते हैं आपको, आप अगर सर्च करोगे तो उसका भी बहुत मतलब लिरिक्स नीचे लिखे रहते हैं उसके, तो आप पढ़ भी सकते हैं और पढ़ते पढ़ते ही वो गाने का मतलब समझ में भी आ जाएगा, तो योरन के पार्ट के लिए वो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है। ये तो है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जैसा कि आपने बताया कि इसमें चार पार्ट्स होते हैं, तो सबसे मुश्किल पार्ट आपके हिसाब से कौन सा आपको लगा और उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि कम मुश्किल लगे वो? वैसे सारे पार्ट्स इक्वल ही प्रिपेयर करने चाहिए, लेकिन मतलब किसी को एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम आता है, किसी को योरन में रहता है, कोई योरन में अच्छा रहता है एक्सप्रेशन में अच्छा नहीं रहता है, ऐसा भी किसी किसी का होता है, क्योंकि मेरे साथ जो एग्जाम में आए थे तो उनसे बात करके मुझे पता चला कि आफ्टर द एग्जाम कि नहीं यार मेरा ये पार्ट अच्छा नहीं था, मतलब ये मैंने मेरा प्रिपेयर पहले से ही मैं थोड़ा डरती थी इसके लिए, कोई कोई श्राइबन के लिए डरता था, तो मतलब कुछ कुछ को ऐसे रहता है, तो मेरा एग्जाम में थोड़ा योरन का जो एक ही बार जो ऑडियो सुनाते हैं दो टाइल में दो दो बार सुनाते हैं, एक में एक ही बार वो बचता है, तो वो टाइम पे बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत रहती है, तो मेरे अगर पॉइंट्स कटे होंगे तो उसी में कटे होंगे शायद से, क्योंकि एक बार जो होता है वो एकदम से पूरा के पूरा समझ में नहीं आता, कुछ कुछ एक या दो जो कटे हुए वो उसी में कटे होंगे मुझे तो लगता है। ये तो है। और एक्सप्रेशन में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, एक्सप्रेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आई, वो मेरा बहुत ही अच्छा
अच्छा गया और श्राइवन का भी अच्छा गया, लेजन का भी अच्छा गया। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो आपने एक्सप्रेशन का वाइवा दिया उसके अंदर फैकल्टीज कैसी थी और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके अंदर? हाँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि जैसे ही मैंने बोला 10 बजे मेरा एग्जाम था, तो 10 से 11 बजे मेरा पहला जो सेशन था वो दूसरा था, ह्यूरिन लेजन एंड श्राइवन था, और एंड में एक्सप्रेशन था। तो ब्रेक के बाद एक्सप्रेशन का हुआ, वो हार्डली 15-20 मिनट्स का रहा, और वो बहुत ही अच्छा, हम चारों गर्ल्स ही थे जो एक्सप्रेशन में थे, नंबर जो आए थे वो चारों के चारों गर्ल्स ही थे, तो उसी में बहुत ही अच्छा गया। वो बहुत कोऑर्डिनेटिंग रहते हैं एग्जामिनर्स योटे के, उन्होंने मतलब कभी कभार हम लोग अगर पॉज भी लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से काम डाउन होने को बोलते हैं, और हम लोग को थिंक मतलब सेंटेंस बिल्ड करने के लिए थोड़ा टाइम देते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे कुछ नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट आपको वो फ्लैश कार्ड दिखाया और आप लोग को बोलना रहता है, ऐसे कुछ नहीं रहता, तो वो टाइम देते हैं आपको। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड को हुआ था, तो वो थोड़ा शुरुआत में उसका था, तो वो थोड़ा डर गई थी शायद, तो उसका उन्होंने बोला कि रिलैक्स हो जाओ, 2 मिनट हम लोग रुकते हैं, फिर बाद में आप लोग स्टार्ट कर देना। तो ऐसे में बहुत ही कोऑपरेटिव रहते हैं जो एग्जामिनर्स वगैरह जो रहते हैं वहाँ पे, इंस्टीट्यूट पे सारे लोग बहुत ही कोऑपरेटिव रहते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है, वरना ऑलरेडी हम इतना ज़्यादा नर्वस होते हैं और उसमें टीचर स्ट्रिक्ट मिल जाए तो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप पढ़ रहे थे तो आपने हर एक पार्ट में, चाहे वो लेजन हो योरन हो, तो कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए होंगे, तो वो टॉपिक सेलेक्ट करने का आपका क्राइटेरिया क्या था, या फिर कौन कौन से टॉपिक्स आपने सेलेक्ट किए थे इम्पोर्टेंस वाइज या वैसे भी? वैसे मैंने पहले सारे चैप्टर फिनिश कर लिए, तो उसके हिसाब से मुझे जो लगा कि एक मैंने फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर देखे, फिर कुछ ऑडियोज वीडियोज देखे, तो उसमें से मुझे लगा कि मोस्ट प्रोबेबली लेसन में या फिर ह्यूरिन में उसके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि उलाउब रहता है, फिर गेजुंडुन वो रहता है, वही पिकनिक का वगैरह जो रहता है वो उसी में, मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं चूज किए, तो मतलब मैंने ऐसे 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 कुछ प्रिपेयर नहीं किया कि ये टॉपिक आएगा ये टॉपिक आएगा, ऐसे नहीं। तो सारे कुल मिला के मुझे तो लगता है कि बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपको वो ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो उसके हिसाब से आप लोग को जो लगेगा कि नहीं यार ये ऐसे करना चाहिए, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हमारा एग्जाम पेपर जो था, सब लोग वही बोले कि बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन आए थे, मतलब बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन आए थे, क्योंकि तीन ए बी सी तीन जो ये रहते हैं आंसर्स रहते हैं, तो वो योरन में वो तीनों का मतलब बोला गया है उसके बारे में, लेकिन एट द एंड ऐसे छोटी सी ट्रिक है थी कि नहीं ये आंसर है, मतलब एक एक योरन का ऐसा बहुत ही ट्रिकी था कि एक बच्चा रहता है वो अपने पेरेंट्स से दूर रहता है, उसका जो जैकेट याको रहता है वो घर पे ही वो भूल आया है, ऐसा वो कॉन्वर्सेशन था, और उन्होंने बोला कि पहला दिया था कि उसकी मदर उसको कॉल करती है और बोलती है कि मैं पोस्ट से सेंड करती हूँ, दूसरा ऑप्शन था उसकी मदर उसको कॉल करती है और बोलती है कि वीकेंड पे मैं आपको सेंड करती हूँ, और तीसरा आंसर ऐसा था कि पापा और मैं आएंगे, कोई बात नहीं पापा और मैं आएंगे और हम लोग जैकेट लेके आएंगे, so तो ऐसा वो ट्रिकी क्वेश्चन था, और एट द एंड पापा एक ऐसा वर्ड था कि वो जो आंसर के लिए मतलब कि कुछ कुछ लोगों को वो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रिकी कंफ्यूज होएगी ऐसे में, अगर वो पापा वर्ड जस्ट गलती से मिस कर दे तो वो उसको क्या लगेगा कि मम्मा का फोन है, हम लोग को सुन के क्या लगेगा, मुझे भी वही लगा था मम्मा का फोन है, मतलब पहले दो आंसर में मुटर मुटर था, तो मुटर में कुछ तो दोनों में होगा, लेकिन एट द एंड ऐसा मतलब शब्द आया तो समझ में आया कि नहीं वो ऑप्शन हम लोग पहले गलत चूज करने वाले थे। तो ऐसे सारे ह्यूरिन के 2-3 थे वो बहुत ही ट्रिकी थे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है कि वो ऐसे चूज करो हम लोग कि यही पे आ जाएगा यही पे, लेकिन ऐसे वास्ट क्वेश्चन पेपर रहता है
सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने सैंपल पेपर या मॉक टेस्ट वगैरह ट्राई किए, तो वो आपने कहाँ से किए, एंड सैंपल पेपर जो आपने ट्राई किए उसमें प्रीवियस ईयर कोई रिपीट हुआ या जस्ट फॉर्मेट सेम था लेकिन क्वेश्चंस अलग थे ऐसा कुछ? नहीं, मेरा तो क्वेश्चन पेपर जो मैंने मॉक जो थे, मैं नेट पे यूट्यूब पे एक्चुअली मैं वीडियोस देखती थी जो सैंपल पेपर्स आते हैं क्यों थे के वगैरह, मैंने चारों के चारों टाइल के सैंपल पेपर मतलब सैंपल कैसे रहते वो देखे थे, एक्सप्रेशन के देखे थे, श्राइवन के और इनके लेजन के चारों के चारों देखे थे मैंने। तो बहुत सारे लेजन में रिपीट आए थे, बाकी किसी में भी मैंने जो पढ़े थे उसमें से कुछ भी नहीं आया था, सारे के सारे नए क्वेश्चन थे। जो क्वेश्चन पेपर था वो पूरा का पूरा अलग ही था, मतलब हम लोग को लेसन में लगता है कि कोई एडवर्टाइजमेंट होगा, तो उन्होंने खाली ऐसे दिया था कि आज एक मतलब लेसन में जो आता है उसमें ट्रू या फाल्स हम लोग को सिलेक्ट करना रहता है, तो उन्होंने दिया था कि आपकी ट्रेनर मतलब वो एक श्वाकन कोर्स जो क्लास रहता है तो उसका डोर पे ये मतलब प्लेट लगी हुई थी कि आज क्लास नहीं होगा, कि आपकी जो टीचर है वो ये है क्या बीमार है तो आज नहीं हो पाएगा, तो उसके हिसाब से जो वही सिमिलर खाली आया था, बाकी बहुत सारे कुछ अलग अलग ही आए थे, मतलब ऐसे वन वन सेंटेंस के जो रहते हैं लेसन वो कभी आप लोग सैंपल में नहीं देख पाओगे, सैंपल में हमेशा एक एडवर्टाइजमेंट या फिर दोनों वेबसाइट में से कौन सा है वगैरह ऐसा, तो वैसे वाले दो या तीन ही आए थे, बाकी सारे बहुत डिफरेंट आए थे। ओके, तो यानी हमें ये ध्यान देना है कि हम उस टाइप की अपने आप को आदत डाल लें और बाकी वोकैबुलरी वगैरह पूरी कवर करनी होगी ताकि उस टाइप में हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज हम यूज कर सके। यस यस, वोकैबुलरी तो बहुत ही अच्छे से करनी रहती है, नहीं तो फिर हम लोग को मतलब नहीं कुछ नहीं हो सकता वोकैबुलरी के अलावा। और देयर दी दास वो भी कुछ कुछ लोग बहुत मतलब वो जर्मनी सीखना छोड़ देते हैं उसके बाद से, अगर ये कंफ्यूजन हो जाएगा आपको तो वो एक्चुअली आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करनी रहेगी। ये वोकैबुलरी के अलावा ना ही श्राइबन कर सकते हो, मत मेरा तो मानना है कि कुछ भी पार्ट आपको इजी नहीं होगा फिर, इसीलिए पहले वोकैबुलरी अच्छे से करनी रहती है, जो A1 के लिए बेसिक एक्चुअली लगती है वो तो करनी ही पड़ेगी, मुझे तो ऐसा लगता है। वोकैबुलरी उसके मतलब आप कितने भी मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो, कितने भी आप वीडियोस देखो, कुछ भी देखो, लेकिन अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि एक्सप्रेशन में अभी आपको देयर दी दास का ध्यान देना पड़ता है, अगर आपको पिट फॉर्मिलियन पिक वो टाइम पे भी आपको ईयर बोलना है या ईयर बोलना है, टाइम तो माइंड क्या बोलना है ये भी समझ में आना चाहिए, अगर गलती से भी आपने फीमेल कैंडिडेट है उसको मेल का बोल दिया तो आपके मार्क्स कटेंगे। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि जो लोग भी जर्मन A1 लेवल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कोई 3 टिप्स जो उनको ध्यान रखना चाहिए तैयारी करते वक्त। तैयारी करते वक्त तो मुझे लगता है कि आप पहले तो आपका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट कि नहीं मुझे ये करना ही करना है और बीच में नहीं छोड़ूंगी कुछ भी हो जाए, और प्रैक्टिस 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 बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस के अलावा मुझे नहीं लगता, एक तो जैसे मैंने बोला वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी और अरबाइट्स बुक मुझे बहुत काम आया, क्योंकि उसके मतलब वो सोचने के लिए हम लोग को मजबूर करता है कि उसमें भी जो हमने पढ़ा है उस बुक में वही अरबाइट्स बुक में वही चैप्टर रहता है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन के फॉर्म में आता है तो हम लोग को सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, लेकिन नहीं आ रही है हमने पढ़ा है फिर भी ये क्यों नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या आंसर होगा, कभी कभार ऐसे भी हो जाता है, तो वो बुक भी अच्छे से कर लो आप, वोकैबुलरी कर लो और प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू सो मच हमारे ऑडियंस को इतनी सारी इनसाइट देने के लिए जर्मन एग्जाम से रिलेटेड, एंड ऑडियंस अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं एंड ये जिसको आता हो वो आराम से रिप्लाई कर देंगे, नो इशू। आई होप सो आपको काफ़ी सारी इनसाइट मिली होगी जर्मन A1 गोएथे एग्जाम के लिए,
और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगी ही होगी ऑफ कोर्स, इतना सब कुछ जानने को मिला तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और बाकी आप इस वीडियो के बाद नेक्स्ट ये वाली वीडियो देख सकते हैं या तो ये प्लेलिस्ट सेव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन स्टे ट्यून, टर्न ऑन द बेल आइकन ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चीयर्स।